नमस्कार मित्रों, ज्योग्राफी सीरीज की जो है जो आपका परीक्षा प्लस जो आपका लिंक है उसके थ्रू जो हम आपके पास तक आ रहे हैं यहाँ पे, तो उस आपके ज्योग्राफी सीरीज का ये आपका फिफ्थ क्लास है। जो पहले क्लास में आपने देखा सतलुज रिवर, सेकेंड पहले क्लास में आपने देखा इंडस रिवर सिस्टम, दूसरे में आपने देखा सतलुज रिवर जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, जो आपका तीसरा क्लास था उसमें आपने झेलम रिवर, जो आपका चौथा क्लास जो आपके तक पहुँच चुका है और जहाँ पर आपका ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है हमें और रिस्पॉन्ड भी मिल रहा है लगातार, आपकी तरफ से क्वेरीज भी हमारे पास आ रहे हैं, आपके कमेंट्स हमारे तक पहुंच रहे हैं और जिसकी वजह से एक उत्साह भी बना हुआ है लगातार। तो यहीं पर ही उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पांचवी क्लास में देखते हैं, यहीं पर ही सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आप देखते हैं यहां पर रावी रिवर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रावी रिवर के बारे में हम जो ये हमारी जो क्लासेस चल रही है ये यूपीएससी मेंस जो आपके स्टेट लेवल के पीएससी एग्जाम्स हैं और इंडिया में भी जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर, साथ ही साथ जो भी आपके रिसर्च के स्टूडेंट हैं या जो भी और भी जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं उसके दृष्टिकोण से ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन जो है उसको कंबाइंड करके चलाया जा रहा है। काफी डिटेल क्लास है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी ज्योग्राफी की जो क्लास आप तक पहुंच रही है ये बेसिक से एडवांस तक जा रही है आप तक, और पूरा का पूरा सिलेबस ज्योग्राफी का जो है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो सब्जेक्ट के लेवल का हो, चाहे वनडे लेवल का हो, वो पूरा का पूरा सेक्शन आपका कवर कराया जाएगा। इसलिए ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और भी आप लोगों को सजेस्ट करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक पर इस चीज को आप मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच भी पाएंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पांचवी क्लास में रावी नदी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, रावी रिवर के बारे में आज बात करते हैं। जैसे हमने सतलुज के बारे में देखा तो सतलुज का जो है जो प्राचीन नाम क्या है, सतलुजी है। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा है। वहीं पर हम लोग बितत्ता है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं चेनाब रिवर के बारे में, तो उसका जो है जो प्राचीन नाम है, एंशियंट नेम, वो क्या है आपका, अस्किनी। वैसे ही आपका रावी रिवर का भी ये नाम आपका वर्तमान में देखते हैं हम लोग, जो प्राचीन काल में हम लोग आते हैं तो रावी रिवर को भी प्राचीन नाम में, यहाँ प्राचीन पहुंचते हैं तो इसका भी दूसरा नाम हो जाता है। ध्यान दीजिए, रिवर के बारे में हम लोग जब बात करेंगे जो इसका एंशियंट नेम है वहां पर आते हैं पहले, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस लगातार आपके स्टेट पीएससी एग्जाम में आते रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो रावी रिवर का हम लोग बात करते हैं, परुसुडी या इरावती, जिसका एंशियंट नेम है, या तो परुसुडी कहा गया है या तो इस नदी के लिए दूसरा नाम प्रयोग किया गया है वो नाम प्रयोग किया गया है इरावती का। ठीक, हम लोग बात करेंगे रावी रिवर के बारे में। सिंधु नदी तंत्र इंडस रिवर सिस्टम में आते हैं, तो इस इंडस रिवर सिस्टम की यह एक महत्वपूर्ण नदी है। ध्यान दीजिएगा, हम फिर से शुरू करेंगे कहां पर, चूंकि ये भी रिवर आपके हिमालय से ही निकलती है, जो इसका ओरिजिन है वो भी इंडस रिवर सिस्टम के अन्य नदियों की तरह भी, इसकी भी ओरिजिन कहां से है, हिमालय से है। हम लोग पूर्व में आते हैं, यहां पर हमने हिमालय के चार रेंजेस देखे, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। ये जो चारों रेंजेस हैं ये नॉर्थ टू साउथ आपको मिलेंगे, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। यहां पर आइएगा, जो आपकी रावी रिवर है वो ना ही ट्रांस से निकलती है और ना ही ग्रेटर से निकलती, कहां निकलती है वो, लेसर से निकलती है, इस वाले हिस्से से निकलती है। और ध्यान दीजिएगा, यही लेसर हिमालय से निकलती है और इस आपके शिवालिक हिमालय को काटते हुए वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लेकिन पाकिस्तान में जाने से पहले ये आपकी रावी रिवर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, इंटरनेशनल कम नेचुरल बाउंड्री यहीं पर ही बनाती है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ही हम लोग बात करेंगे रावी रिवर के बारे में।
ये इस वाले से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये हिमालय के चार रेंजेस, ये वाला हिस्सा जो आपकी रावी रिवर है, जो इसकी ओरिजिन होती है वो भी हिमाचल प्रदेश में होती है, और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर नहीं आती, बल्कि जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान भी बॉर्डर बनाएगी, और फिर यहीं अमृतसर के बाद एंट्री कर जाती है पाकिस्तान में। ये जो आप रिवर देख रहे हैं, यही रिवर आपकी है रावी रिवर, रावी रिवर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग कहां से निकालेंगे रिवर, लेसर हिमालय से बात करेंगे। जो आपका लेसर हिमालयन रेंज है, ये जो है चार हिस्सों में बटा हुआ है। लेसर हिमालयन रेंज ये आपका चार हिस्सों में बटा हुआ है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा एंड महाभारत। ये आपको लेसर हिमालय रेंज के चार हिस्से मिलेंगे। पीर पंजाल रेंज जो कि आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, लेसर हिमालय का पार्ट। यहां पर आते हैं, ये जो रेंज आपका है धौलाधर रेंज, ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, मतलब लेसर हिमालय को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, धौलाधर कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है नागटिब्बा। नागटिब्बा रेंज ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में जो आपका लेसर हिमालय रेंज है उसको नागटिब्बा कहा जाता है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, ये जो आपका रेंज है ये है आपका महाभारत। महाभारत रेंज ये आपको मिलेगा नेपाल में। ठीक, ये जितने भी आपने रेंजेस देखे ये सबके सब आपके किसके हिस्से हैं, लेसर हिमालय के। ठीक, जम्मू कश्मीर में लेसर हिमालय, जम्मू पीर पंजाल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत। मतलब लेसर हिमालय रेंज जम्मू कश्मीर से लेकर के केवल नेपाल तक है, आगे अरुणाचल प्रदेश तक नहीं गई हुई है। हम लोग बात करेंगे यहीं पर ही रावी रिवर के बारे में। जो आपकी रावी नदी है, जो आपकी रावी रिवर है, वो आपकी रावी रिवर निकलती है धौलाधर रेंज से। कहां निकलती है, धौलाधर रेंज से, मतलब हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आइएगा, इसी आपके धौलाधर रेंज पर आपको एक पास मिलेगा, दर्रा जिसे कहा जाता है रोहतांग। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में आइएगा, इस रोहतांग पास से ही, मतलब इसका जो सदर्न वाला स्लोप है यहीं से ही आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है, कौन सी, रावी। ठीक, आगे पहुंचते हैं, यही रावी रिवर नीचे की ओर पहुंचेगा यहां पर, तो लेसर हिमालय के बाद हिमालयन सीरीज में आते हैं ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। तो इस लेसर के बाद जो आपकी फोर्थ सीरीज है, चौथी वाली, साउथ वाली, कौन सी है, वो शिवालिक वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। शिवालिक, शिवालिक रेंज, ध्यान दीजिएगा हम लोग कहां बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में। जो शिवालिक रेंज है हिमाचल प्रदेश में, इसी रेंज को ही, शिवालिक रेंज को ही हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है किराना, किराना हिल्स। ये किराना हिल्स कहां कहां नाम है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। मतलब शिवालिक की पहाड़ियों को या शिवालिक श्रेणी को पंजाब और हिमाचल प्रदेश क्या कहता है, किराना। आगे बढ़ने के बाद यही आपकी रावी रिवर इस किराना की पहाड़ियों को, रेंज को काटते हुए साउथ की ओर बहती है।
साउथ की ओर बहने के बाद जैसे ही रिवर यहां पहुंचती है जम्मू के पास, ये वाला देखे काटने से पहले ये वाला हिस्सा देख रहे ना, यहां जैसे ही रिवर पहुंचती है तो यहीं पर ही बॉर्डर पर ही, बॉर्डर पर आइएगा, ये वाला हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, ये वाला हिस्सा जब आते हैं यहां पर आइएगा तो जम्मू कश्मीर में आपको जगह मिलेगा कठुआ, जगह कौन सा मिलेगा आपको, कठुआ। कठुआ आप लोगों को याद भी होगा कुछ समय एक बड़ा विवादित क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता को मारा भी गया था, एक लड़की के रेप का भी मामला आया था जम्मू कश्मीर का, कुछ आप लोगों को याद आ रहा होगा कठुआ के बारे में, वो आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है। कठुआ के बाद यहीं पर आप अक्सर नाम सुनते हैं जम्मू कश्मीर, यहां पर पंजाब में आने पर गुरदासपुर, गुरदासपुर, गुरदासपुर तो अच्छे तरीके से आप लोग जान रहे हैं पंजाब का, पंजाब के गुरदासपुर तक, मतलब जम्मू कश्मीर के कठुआ से पंजाब के गुरदासपुर तक, यह जो आपकी रावी रिवर है जम्मू और पंजाब के बीच में जो है अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, नेचुरल कम इंटर स्टेट बाउंड्री बिटवीन जम्मू एंड पंजाब, कहां से, कठुआ से लेकर के गुरदासपुर तक ये वाला हिस्सा, कठुआ, और यहां पर आते हैं ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं गुरदासपुर, ठीक। कठुआ और गुरदासपुर इधर चलिएगा, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, और नीचे आते हैं ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं पंजाब, मतलब यह नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में कठुआ से गुरदासपुर तक जो है बाउंड्री बना रही है, अंतरराज्यीय सीमा, नेचुरल कम इंटर स्टेट बाउंड्री, ध्यान दीजिएगा नेचुरल कम इंटर स्टेट बाउंड्री वर्ड कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं इसको प्राकृतिक सह अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंग्लिश में कहा जाता है इसके लिए नेचुरल कम इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्री, ध्यान दीजिएगा जब किन्हीं दो देशों के बीच में या किन्हीं दो राज्यों के बीच में कोई आपका जलीय भाग वाटर बॉडी आ जाए, जैसे कोई झील दो देशों की सीमा के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में उस जलीय भाग का जो बंटवारा होता है वो आधा आधा दोनों देशों का मान लिया जाता है, ठीक। जब कोई नदी बह रही होती है और वो किन्हीं दो देशों के बीच बह रही होती है तो वह नदी उन दोनों देशों के बीच में आधा आधा उसको बांट दिया जाता है, डिवाइड इंटू टू पार्ट इक्वली। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी यह सीमा है वो इंसानों ने भी नहीं बनाई, किसने बनाई है, नेचर ने बनाई, ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहता है प्राकृतिक सह, मतलब यहां पर नेचुरल कम जो आपका सह वर्ड यूज किया गया, मतलब उन दोनों के बीच में क्या होगा वो आधा आधा बटेगा, इसलिए इसके लिए जो ज्योग्राफी में आप लोग वर्ड यूज करते हैं ऐसी सीमाओं के लिए प्राकृतिक सह अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, नेचुरल कम इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आते हैं तो ये जो आपकी रावी रिवर है जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में नेचुरल कम इंटर स्टेट बाउंड्री बना रही है, और गुरदासपुर से आगे चलिएगा ये जो आप जगह देख रहे हैं यहां पर बॉर्डर पर आने के बाद यहां पर ये आपका जगह है अमृतसर, पंजाब का कौन जगह है ये अमृतसर, यहां पर तक आइएगा गुरदासपुर से अमृतसर तक पंजाब के, ये जो नदी है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है, भारत में आई है तो इंटर स्टेट बाउंड्री बना रही है, और इंटरनेशनल लेवल देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बना रही है, और अमृतसर के बाद यही नदी कहां एंट्री कर जाएगी ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, और जब ऊपर की ओर से आते हैं यहां पर तो ऊपर की ओर से आपकी रिवर आ रही कौन सी चेनाब, जाकर के ये चेनाब में पाकिस्तान में मिल जाती है। हम लोग फिर से ध्यान देंगे यहीं पर ही रावी रिवर के बारे में,
रिवर के बारे में हम लोग बात करते हैं यहीं पर ही, लेसन पर आइएगा तो आप धौलाधर रेंज है, धौलाधर रेंज पर आपको रोहतांग पास मिलेगा और रोहतांग पास के सदर्न स्लोप से आपकी रिवर यहीं पर ही रावी रिवर ओरिजिनेट हो रही है और किराना हिल्स को काटते हुए साउथ की ओर नीचे की ओर आ रही है। आने से पहले ही जम्मू कश्मीर के कठुआ से लेकर गुरदासपुर के बीच में यहां पर आएगा तो नेचुरल कम इंटर स्टेट बाउंड्री बनाती है, जबकि गुरदासपुर से अमृतसर के बीच में यह इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है और अमृतसर के बाद यही रिवर कहां एंटर कर जा रही है, पाकिस्तान में। ध्यान दीजिएगा रावी रिवर के बारे में पढ़ने से साथ साथ में हम एक बात और भी यहीं पर ही देखेंगे, रावी रिवर की जो वैली है, नदी की घाटियां, रिवर वैलीज, जब पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो नदियों की जो घाटियां होती हैं, घाटियों में ही आपको कुछ महत्वपूर्ण जगह भी मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा अक्सर आप पढ़ते हैं यहीं पर ही आइएगा तो हिमाचल प्रदेश में ही इस रावी रिवर का जो ऊपरी वाला हिस्सा है आपको यहीं पर ही मिलेगा चंबा, मतलब जो चंबा जगह है, जो लोग यूपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट जितने भी हैं, ध्यान दीजिएगा आर्ट एंड कल्चर आपका एक सेक्शन आता है, अब तो धीरे धीरे आपका जो है हर एक स्टेट एग्जाम में भी आपका हो गया है, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, तो ये जितने भी हैं जिन्होंने यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर लिया है तो वहां पर आर्ट एंड कल्चर में आइएगा तो आपको चंबा कल्चर मिलेगा, चंबा वैली वहीं पर ही। ध्यान दीजिएगा यहीं पर ही हिमाचल प्रदेश में ही आपका रावी रिवर वैली में ही आपको जगह कौन सा मिलेगा, यहीं पर ही चंबा वैली, हिमाचल प्रदेश में क्या है, चंबा वैली। चंबा और चुंबी दो जगह है, हम आगे ही बात करेंगे चुंबी कहां पर है और चंबा कहां पर है। चंबा आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में और जब बात करेंगे चुंबी वैली कहां पर है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कहां करेंगे, सिक्किम में। चुंबी वैली, चुंबी घाटी सिक्किम में है और चंबा वैली कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की घाटी में। नीचे की ओर आइएगा तो यहीं पर आपको एक वैली और मिलेगी इसी रावी नदी की घाटी में निचले वाले हिस्से में, नाम उसका है कुल्लू। अक्सर एक जो है ये हिल स्टेशन भी है, लोग टहलने भी जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो आपकी कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली एंड चंबा वैली दोनों आपको रावी रिवर वैली में ही हिमाचल प्रदेश में यहीं पर ही दोनों मिलेंगे। तो ये हिस्सा जो भी आपने पढ़ा ये आपका कौन सा है, रावी नदी। एक बार हम लोग फिर से पूरा देख लेते हैं यहीं पर ही और समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग आते हैं जो आपका रावी नदी है, हिमालय की इन चारों श्रेणियों में लेसर हिमालय से निकलती है, लघु हिमालय से, लघु हिमालय के चार हिस्से हैं पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत। तो इन चारों रेंजेज में जहां से ये आपकी रावी रिवर निकलती है कौन सा है, धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज पर हिमाचल प्रदेश में आएगा आपको दर्रा मिलेगा यहां पर रोहतांग पास, रोहतांग पास के आपके सदर्न स्लोप से आपकी रिवर यहां पर ओरिजिनेट हो रही है, नाम इसका है रावी। रावी रिवर जब आगे बढ़ती है तो रावी रिवर की वैली में ही आपको चंबा वैली एंड कुल्लू वैली मिलेगा दोनों हिमाचल प्रदेश में ही, और यहीं से पहुंचती है रावी रिवर कहां पर, जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों के बॉर्डर पर। जम्मू कश्मीर पहुंचिएगा तो यहां पर आपको मिलेगा कठुआ और पंजाब पहुंचिएगा तो आपको मिलेगा गुरदासपुर, मतलब कठुआ से लेकर गुरदासपुर तक का जो आपका दायरा है, मतलब रावी रिवर के नॉर्थ में आपको जम्मू कश्मीर और साउथ में क्या मिलेगा, पंजाब, मतलब कठुआ से गुरदासपुर तक रावी रिवर पंजाब और जम्मू कश्मीर के दोनों के बीच में नेचुरल कम इंटर स्टेट बाउंड्री बना रही है। यहीं पर आगे बढ़ते हैं, गुरदासपुर के बाद यह रिवर एंट्री कर जा रही है कहां पर, पंजाब में, और गुरदासपुर से अमृतसर तक यहां पर आइएगा ये जो हिस्सा है तो इस रिवर के हम लोग पश्चिम में जाएंगे वेस्ट की ओर तो यहां पर आपको पाकिस्तान मिलेगा, और ईस्ट की ओर आते हैं हम लोग तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर पंजाब मिलेगा, मतलब यहां पर आएगा पंजाब कहां किसका हिस्सा है, भारत का। ध्यान दीजिएगा गुरदासपुर से अमृतसर तक का बीच का जो दायरा है रिवर, पश्चिम और पूर्व के जो बीच का है, ये विभाजन करता है किन्हीं दो राष्ट्रों की सीमा के बीच में, डिवाइडेड किसका, हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान बीच में। तो यहां पर भारत और पाकिस्तान बीच में नेचुरल कम इंटरस्टेट बाउंड्री नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। और आगे पहुंचने के बाद यही रिवर चिनाब रिवर से पहुंचेगा तो आपको पंजाब में नहीं बल्कि यहां पहुंचेगा तो कहां, पाकिस्तान में, जहां पर यह चिनाब से मिलती है, यह जगह आपका है सराय सिंध, जो आपका सिंध प्रांत है वहां पहुंचेगा तो आपके सराय सिंध में आपकी रावी रिवर किससे मिल जा रही है, जाकर के चिनाब नदी से। तो ये आपका जो है आज पांचवा क्लास था सीरीज का, आप लोग इसको और अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने व्यूज और कमेंट दीजिए और मैक्सिमम इसको शेयर करिए ताकि हमारा भी जो है थोड़ा मनोबल बढ़े, और अभी तक आपका जो रिस्पॉन्ड रहा है हमारे वीडियो को लेकर के वो काफी अच्छा रहा है और उससे हमारा मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, नमस्कार।